आज हम लोग फिर से निकल आए हैं स्कूटी लेके। कहाँ जा रहे हैं अब तक हम लोग देख के पता लगा लिए होंगे, तो चलिए फटाफट से चलते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनर शर्मा कोलकाता। हाय, आई एम नेहा एंड आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता। टुडे वी आर गोना शो यू कोलकाता फेमस बिरला प्लेटोरियम। इसको कोलकाता का तारा मंडल भी कहा जाता है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। हाउ टू रीच, ये मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज़ मैदान। हम लोग स्कूटी करके गए थे, एकदम साइड टू साइड में ही है। फर्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा रविंद्र सदन की तरफ से अगर आएंगे तो, रविंद्र सदन देन उसके साइड में ही है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, उसके साइड में है चर्च और उसके साइड में ही है बिरला प्लेटोरियम। आप लोग पर्सनल कार और टू व्हीलर पे आते हैं देन यहाँ पे चर्च के अंदर ही आपको पार्किंग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा 40 रुपीज़। और चर्च अगर घूमना चाहते हैं तो पर हेड 10 रुपीज़ करके पड़ेगा आप लोगों को। तो वही यहाँ पे टोकन हम लोग काट रहे थे। गाड़ी पार्क करके आ गए थे चर्च के बाहर, राइट साइड में ही था बिरला प्लेटोरियम। इतना दूर वो स्कूटी चला के मुझे लेके आई थी तो लग गया था हम लोग को प्यास और पी रहे थे लस्सी। बिरला प्लेटोरियम अगर आप लोग घूमने के लिए आए हैं तो यहाँ का मेन है टाइमिंग। टाइमिंग देख के आप लोगों को आना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है यहाँ पे 3 लैंग्वेज में शो दिखाया जाता है, एक है हिंदी, लोकल लैंग्वेज बंगाली एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश। तो तीनों में ही यहाँ पे शो चलता है, तो उस हिसाब से आप कौन सा भाषा का शो देखना चाहते हैं और उसका टाइमिंग क्या है सब कुछ आप ये वीडियो में यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। अब चलिए अंदर की तरफ घुमा के दिखाते हैं। फर्स्ट ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा बीचों बीच एक फाउंटेन है, एक नहीं एक्चुअली एक बड़ा फाउंटेन है और बहुत सारा छोटा छोटा फाउंटेन है और उसमें कलरिंग लाइट के साथ फाउंटेन चलता है लेकिन शाम को। मेरी सिस्टर जाके टिकट काउंटर में लाइन में खड़ी हो गई थी टिकट काटने के लिए, तब तक मैं आपको बाहर का जो है वो सब कुछ दिखा रही हूँ। और हम दोनों जिस टाइम पे गए थे हम लोग जो शो देख पाएंगे वो है 3 बजे का, तो 3 बजे का हम लोग टिकट काट रहे थे। ये सब है ऊपर फ्लोर का डेकोरेशन और जो मेन गेट से घुसना पड़ेगा वो है ये। शो के लिए आधा घंटा टाइम था तो इसलिए जितना हो सकता है बाहर से आप लोगों को पूरा घुमा के दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, तो देखिए। और हम मुझे यहाँ से पता चला कि कैमरा लेके अंदर हम लोग शो को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, जो कि मेरे लिए मतलब अच्छा नहीं मुझे फील हुआ, क्योंकि शो को मतलब दिखाने देना चाहिए लेकिन उन लोगों का बात था कि कैमरा हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है तब मतलब लोग नहीं आएगा देखने के लिए। तो ठीक है, उतना ज़्यादा आर्गुमेंट में ना जाके हम बोले कि ठीक है।
सती पंडी को खा जाए और शो टाइम ख़त्म हो गया है। अब देखिए कितना मतलब ज़्यादा भीड़ है, जो हम लोग का टाइम नहीं है उस टाइम के लिए। और फिर हम लोग निकलने के बाद हम लोग को लग गया था थोड़ा सा भूख, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था, तो इसलिए हम लोग मेरी बहन ली है पपड़ी चाट और मैं ली थी भेलपूड़ी, तो दोनों मिलके खाए हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद थोड़ा सा आइसक्रीम खा के, मैं आइसक्रीम नहीं खाई थी क्योंकि मेरा गला ऑलरेडी बैठा हुआ है, और मेरी बहन आइसक्रीम खाई थी। ये जो बंदी है ये पहले पी है नींबू पानी, उसके बाद पपड़ी चाट, फिर मैं खाई हूँ भेलपूड़ी। भेलपूड़ी भी खाई, अभी इसको आइसक्रीम खाने का मन है जबकि इसको खांसी है। और अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो है बिरला प्लेनेटोरियम और सेंट पॉल कैथेड्रल के बीचों बीच। आज आप लोगों को टोटल बिरला प्लेनेटोरियम घूम के दिखाई हूँ, तो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, भर भर के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अगर पसंद आए। बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे, आप लोगों का प्यार का मुझे खास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों गाड़ी लेके निकल गए हैं घर के लिए, और थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेके थोड़ा सा अगर पैदल चलिएगा वहीं पे है विक्टोरिया मेमोरियल। कोलकाता अगर आप लोग घूमने आते हैं तो इस एरिया को विजिट करना मत भूलिएगा। वीडियो शूट करना हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर के तरफ। तो विक्टोरिया उधर से क्रॉस करते हुए हम लोग निकल गए हैं, और ये हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट एंड हेल्दी। बाय बाय।